आ स्टोरी इज टोल्ड ऑफ तानसेन। एक कहानी तानसेन के बारे में बताई गई है। द ग्रेट बार्ड ऑफ अकबर्स कोर्ट, महान कवि अकबर के दरबार का। एक कहानी अकबर के दरबार के एक महान कवि तानसेन के बारे में बताई गई है। व्हिच इलस्ट्रेट्स दिस पॉइंट विविडली, व्हिच जो कि इलस्ट्रेट्स व्याख्या करता है दिस इस पॉइंट बात यानी बिंदु को विविडली अस्पष्ट रूप से, जो कि इस बात की अस्पष्ट रूप से व्याख्या करता है। तानसेन वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन, तानसेन एक महान कवि था, संगीतकार था, एंड और अकबर वाज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज म्यूजिक, और अकबर उसके संगीत का बहुत शौकीन था। वन डे एक दिन, व्हेन तानसेन वाज अ पार्टिकुलरली गुड फॉर्म, एक दिन जब तानसेन अच्छे विशेष अच्छे फॉर्म में था, अकबर वेंट इनटू एक्सटेसी, एंड अकबर वेंट गया इनटू में एक्सटेसी अत्यानंद की अवस्था, अकबर अत्यधिक आनंद की अवस्था में गया, अत्यधिक आनंद को प्राप्त किया। एंड आस्क्ड हिम, और उससे कहा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ दिस स्वीट कॉन्कर्ड ऑफ नोट्स, व्हाट क्या इज है दिस सीक्रेट रहस्य आपका, दिस इज स्वीट मधुर कॉन्कर्ड सुर संगम, कॉन्कर्ड सुर संगम आपके नोट्स गीत, इस मधुर गीत के सुर संगम का क्या रहस्य है। व्हिच टेक्स मी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, व्हिच जो कि टेक्स मी मुझे ले जाता है आउट बाहर ऑफ दिस वर्ल्ड इस संसार के, जो कि मुझे इस संसार के बाहर ले जाता है, एंड ट्रांसपोर्ट मी टू डिवाइन रीजन्स, एंड और ट्रांसपोर्ट भेज देता है मी मुझे डिवाइन दैवीय दिव्य रीजन्स प्रदेश, और मुझे दिव्य प्रदेश में भेज देता है। आई हैव नॉट हियर्ड एनी वन इल्स, आई हैव नॉट हियर्ड एनी वन इल्स, मैंने किसी और को नहीं सुना है, हु कैन दस कास्ट आ स्पेल ऑफ मैजिक, जो संग जो इस प्रकार का जादू फेंक सके डाल सके, एंड मेक अ स्लेव आवर हर्ट्स, और हमारे हृदय को गुलाम बना सके। यू आर रियली वंडरफुल तानसेन, तानसेन तुम सचमुच अद्भुत हो। द ग्रेट बार्ड रिप्लाइड, महान कवि ने उत्तर दिया, सर श्रीमान जी आई एम ओनली ए हम्बल पीपल ऑफ माई मास्टर स्वामी हरिदास, मैं अपने गुरु स्वामी हरिदास का केवल एक छोटा शिष्य हूँ। आई हैम नॉट मास्टर्ड इवेन अ फ्रैक्शन ऑफ मास्टर्स टेक्निक ग्रेस एंड चार्म, मैंने गुरु के कौशल शान और आकर्षण का एक अंश भी नहीं सीखा है। व्हाट एम आई बिसाइड हिम, मैं उनके बगल क्या हूँ। हुज म्यूजिक इज अ रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी, हुज म्यूजिक इज अ रिदमिक फ्लो ऑफ डिवाइन हारमोनी ब्यूटी एंड चार्म इन साउंड, जिसका संगीत सामंजस्य सौंदर्य और आवाज में आकर्षण का एक लयपूर्ण प्रवाह है। व्हाट द एम्परर क्राइड, व्हाट क्या द एम्परर क्राइड, सम्राट चिल्लाया क्या, इज देयर वन, क्या कोई वहाँ है, हु कैन सिंग बेटर देन यू, हु जो तुम्हारी अपेक्षा अच्छा गा सकता है, इज योर मास्टर सच अ ग्रेट एक्सपर्ट, क्या तुम्हारा गुरु इस प्रकार एक महान विशेषज्ञ है। आई एम बट अ पिग्मी बाई माई मास्टर साइड, आई मैं हूँ बट केवल आ पिग्मी एक बौना छोटा, बाई माई मास्टर साइड अपने गुरु के बगल, मैं अपने गुरु के बगल में एक छोटा हूँ, बौना हूँ, छोटा हूँ।
सेठ तानसेन, तानसेन ने कहा, तानसेन ने कहा, मैं अपने गुरु के बगल छोटा हूँ, केवल छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ। अकबर वाज ग्रेटली इंट्रीक्ड, अकबर वाज था ग्रेटली महान इंट्रीक्ड, जिज्ञासा प्रकट की, अकबर ने महान जिज्ञासा प्रकट की। ही वांटेड टू हियर हरिदास, ही वह वांटेड चाहता था टू हियर, सुनना हरिदास, हरिदास को यानी हरिदास के संगीत को, वह हरिदास के संगीत को सुनना चाहता था। बट लेकिन इम्परर सम्राट तो यद्यपि वह वाज था, लेकिन यद्यपि वह सम्राट था, ही कुड नॉट गेट हरी टू हिज कोर्ट, ही वह कुड नॉट गेट नहीं ला सकता था, नहीं बुला सकता था हरी हरिदास को टू हिज कोर्ट अपने दरबार में, वह अपने दरबार में हरी को नहीं ला सकता था, नहीं बुला सकता था। सो ही एंड तानसेन बेंट टू द हिमालयाज, सो इसलिए ही वह एंड और तानसेन बेंट गए टू को हिमालयाज, हिमालय, इसलिए वह और तानसेन हिमालय को गए। व्हेयर इन हिज आश्रम ड्वेल्ट द स्वामी, व्हेयर जहाँ इन में हिज अपने आश्रम, आश्रम ड्वेल्ट रहता था स्वामी यानी स्वामी हरिदास, जहाँ अपने आश्रम में स्वामी हरिदास रहते थे। तानसेन हैड ऑलरेडी वार्न्ड अकबर दैट द स्वामी वुड सिंग ओनली इफ ही वांटेड टू, तानसेन सेड वार्न्ड चेतावनी दी थी ऑलरेडी पहले से ही अकबर, अकबर को दैट की स्वामी वुड सिंग, स्वामी गाएगा, ओनली केवल इफ यद ही वांटेड टू, ही वा वांटेड टू गाना चाहता था यानी गाना चाहेगा। तानसेन ने अकबर को पहले ही चेतावनी दी थी कि स्वामी केवल तभी गाएगा यदि वह गाना चाहेगा। सेवरल डेज दे स्टेड एट द आश्रम, सेवरल कई डेज दिनों दे वह स्टेड रुके थे एट पर आश्रम, आश्रम कई दिनों तक वे आश्रम में रुके थे। बट द स्वामी डिड नॉट सिंग, बट लेकिन स्वामी, स्वामी हरिदास डिड नॉट सिंग नहीं गाया, लेकिन स्वामी हरिदास ने नहीं गाया। देन तब वन डे एक दिन तानसेन, तानसेन सैंग गाया, वन एक ऑफ द सॉन्ग्स गीतों में टाट सिखाया गया बाई द्वारा स्वामी, स्वामी तब एक दिन तानसेन ने स्वामी हरिदास के द्वारा सिखाए गए एक गीत को गाया। एंड डिलीबरेटली इंट्रोड्यूस्ड अ फॉल्स नोट, एंड और डिलीबरेटली जानबूझकर इंट्रोड्यूस्ड उत्पन्न कर दिया आ एक फॉल्स गलत नोट स्वर, नोट स्वर जानबूझकर एक गलत स्वर उत्पन्न कर दिया। इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सेंट, इट या हैड रखता था ऑलमोस्ट प्रायः एन एक इलेक्ट्रिक विद्युत इफेक्ट प्रभाव ऑन ऊपर द सेंट संत, यह प्रायः संत पर एक विद्युत प्रभाव रखता था यानी संत पर इसका एक विद्युत प्रभाव हुआ। हिज एस्थेटिक नेचर, हिज उसका एस्थेटिक सौंदर्यमय नेचर प्रकृत रिसीव्ड प्राप्त किया आ एक रूड जोर का शाक धक्का, उसकी सौंदर्यमय प्रकृति ने एक जोर का धक्का प्राप्त किया यानी उसकी सौंदर्यमय प्रकृति को एक जोरदार झटका लगा। ही टर्न टू तानसेन एंड रिब्यूक्ड हिम सेइंग, ही वह टर्न मुड़ा टू तानसेन, तानसेन की ओर एंड और रिब्यूक्ड डाटा हिम उसे सेइंग कहते हुए, वह तानसेन की ओर मुड़ा और उसे कहते हुए डाटा कि व्हाट हैज हैपेंड टू यू, व्हाट क्या हैज हैपेंड हो गया है टू यू तुमको, तानसेन, तानसेन, तानसेन तुमको क्या हो गया है, दैट यू जो तुम आ प्यूपिल ऑफ माइन, आ प्यूपिल एक शिष्य ऑफ माइन मेरे, जो तुम कि एक मेरे शिष्य हो, सुट
कमिट सच अ ग्रास ब्लंडर शुड कमिट सच अ ग्रास ब्लंडर शुड चाहिए कमिट करना सच इस प्रकार आए ग्रास ब्लंडर महान गलती यानी इस प्रकार एक महान गलती करना चाहिए। ही देन स्टार्टेड सिंगिंग द पीस करेक्टली ही उसने तब स्टार्टेड शुरू किया सिंगिंग गाना पीस अंश को करेक्टली सही सही तब उसने उस अंश को उस गीत को सही सही गाना शुरू किया। The mood came upon him and enveloped him and he forgot himself in the music. The mood came upon him, मूड में आया एंड और enveloped ढक लिया हिम उसे एंड और ही वह फॉरगेट भूल गया हिमसेल्फ स्वयं को इन द म्यूजिक संगीत में और स्वयं को संगीत में भूल गया। व्हिच फील्ड द अर्थ एंड हीवन व्हिच जो कि यानी जिस संगीत ने फील्ड भर दिया अर्थ पृथ्वी एंड और हीवन आसमान को जिस संगीत ने पृथ्वी और आसमान को भर दिया। अकबर एंड तानसेन फॉरगॉट देमसेल्व्स इन द शियर मेलोडी एंड चार्म ऑफ द म्यूजिक अकबर एंड और तानसेन फॉरगॉट भूल गए देमसेल्व्स स्वयं को इन माने में द शियर शुद्ध मेलोडी स्वर लहरी एंड और चार्म आकर्षण आपके द म्यूजिक संगीत अकबर और तानसेन संगीत के आकर्षण और शुद्ध स्वर लहरी में स्वयं को भूल गए। इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस इट यह वाज था आ एक यूनिक अद्वितीय एक्सपीरियंस अनुभव यह एक अद्वितीय अनुभव था। व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्ड व्हेन जब म्यूजिक संगीत स्टॉप्ड रुका जब संगीत रुका अकबर टर्न टू तानसेन अकबर टर्न मुड़ा टू तानसेन तानसेन की ओर अकबर तानसेन की ओर और मुड़ा एंड और सेट कहा और कहा यू तुम से कहते हो यू लर्नड म्यूजिक फ्रॉम द सेंट यू तुम लर्नड सीखे थे म्यूजिक संगीत फ्रॉम से दिस इज सेंट संत तुमने इस संत से संगीत सीखा था एंड और एट फिर भी यू सीम टू हैव मिस्ड द लिविंग चार्म ऑफ इट ऑल यू तुमने लर्न सीखा था म्यूजिक संगीत फ्रॉम से दिस इज सेंट संत तुम कहते हो कि तुमने इस संत से संगीत सीखा था एंड और एट फिर भी यू सीम तुम प्रतीत होते हो टू हैव मिस्ड छोड़ दिए हो द लिविंग सजीव चार्म आकर्षण ऑफ इट इसका इट ऑल इस सब का फिर भी तुम प्रतीत होते हो कि तुम इस सब का सजीव आकर्षण छोड़ दिए हो यानी इसका सजीव आकर्षण नहीं सीखा है। तुम्हारा संगीत सीम्स प्रतीत होता है टू बी होने को बट केवल चाप भूसी बिसाइड बगल दिस इज सोल स्ट्रिंग म्यूजिक इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत के बगल तुम्हारा संगीत इस आत्मा को झकझोर देने वाले संगीत के बगल केवल भूसी प्रतीत होता है। इट इज ट्रू सर सेट तानसेन इट या इज है ट्रू सत्य सर श्रीमान जी सेट कहा तानसेन ने कहा श्रीमान जी यह सत्य है। इट इज ट्रू इट या इज है ट्रू सत्य दैट की माई म्यूजिक इज वुडन एंड लाइफलेस बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी एंड मेलोडी ऑफ द मास्टर इट इज ट्रू यह सत्य है दैट की माई म्यूजिक मेरा संगीत इज है वुडन लकड़ी एंड और लाइफलेस निर्जीव बाय द साइड ऑफ द लिविंग हारमोनी साइड बगल आपके लिविंग सजीव हारमोनी स्वर लहरी
सामंजस्य। इट या इज है ट्रू सत दैट की माई मेरा म्यूजिक संगीत इज है वुडन लकड़ी एंड ऑल लाइफलेस निर्जीव। बाई बगल साइट ऑफ द लिविंग हारमोनी लिविंग सजीव हारमोनी सामंजस एंड और मिलोडी स्वर आप थी मास्टर गुरु के। यह सत्य है कि मेरा संगीत गुरु के स्वर और सजीव सामंजस्य के बगल निर्जीव और लकड़ी है सूखी लकड़ी है। बट देन देयर इज दिस डिफरेंस बट लेकिन देन तब देयर वहाँ इज है दिस या डिफरेंस अंतर लेकिन वहाँ ये अंतर है। आई सिंग टू एम्परर्स बिडिंग आई मैं सिंग गाता हूँ टू से द एम्परर सम्राट के बिडिंग आदेश मैं सम्राट के आदेश से गाता हूँ। बट माई मास्टर सिंग्स टू नो माइंस बिडिंग बट लेकिन माई मास्टर मेरा गुरु सिंग्स गाता है टू को नो नहीं माइंस आदमी के बिडिंग आदेश लेकिन मेरा गुरु आदमी के आदेश से नहीं गाता है। बट ओनली केवल व्हेन जब द प्रॉम्प्टिंग कम्स फ्रॉम हिज इनर मोस्ट सेल्फ बट लेकिन ओनली केवल व्हेन जब प्रॉम्प्टिंग प्रेरणा कम्स आती है फ्रॉम से हिज उसके इनर मोस्ट सेल्फ अंतःकरण इनर मोस्ट सेल्फ अंतःकरण अंतरात्मा। परंतु केवल तभी गाता है जब उसके अंतरात्मा से प्रेरणा आती है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस दैट वही मेक्स बनाता है ऑल सब डिफरेंस अंतर है वही सब अंतर बनाता है इसीलिए यह अंतर है इसी से मूल अंतर उत्पन्न होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद जय भारत।